बड़ी खबर संभल से है, जहां सपा और बसपा समर्थकों में जमकर फायरिंग पथराव हुआ है। 5 लोग घायल हुए हैं, कई को गोली लगी है। फायरिंग और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला केला देवी थाना के गांव मूसापुर का है, जहां दोनों पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। देखते ही देखते पथराव और फायरिंग शुरू हो गई, जमकर पत्थर और गोलियां चली। बवाल में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे विवाद की 2 वजह बताई जा रही हैं। एक ओर जहां मामला चुनावी रंजिश बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे रोटी बेचने को लेकर हुआ विवाद बताया जा रहा है। वहीं सपा और बसपा समर्थकों के बीच हुए विवाद को पुलिस रोटी बेचने को लेकर हुआ विवाद बता रही है। एसपी चक्रेश मिश्रा का कहना है कि दोनों तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है, 9 लोग हिरासत में है। ग्राम मूसापुर थाना केला देवी के अंतर्गत आज सुबह सूचना मिली कि 2 पक्षों में आपस में रोटी बेचने के नाम पर संघर्ष हो गया है। इसमें बाद में पुलिस के द्वारा पहुंचकर तहकीकात की गई तो मौके पर पथराव व फायरिंग का भी सूचना मिली है। इसमें पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों के ऊपर 307 आर्म्स एक्ट और 7 CLA एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दायर किया गया है। कुल 9 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। दोनों पक्ष मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, आपस में रिश्तेदारी है और दोनों में यह ज्ञात हुआ कि सुबह रोटी बनाने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ था। अभी गांव में पूर्णतः शांति है।